हेलो नमस्कार, कैसा है मेरा यूट्यूब परिवार। आज के वीडियो को शुरू करते हैं और आज के वीडियो का जो टॉपिक है उसको पहले ध्यान से समझिए। आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं लिमिटेशन एक्ट के बारे में। थोड़ा सा लिमिटेशन एक्ट को समझिए, लिमिटेशन एक्ट क्या होता है। देखिए, कई बार क्या होता है कि जब आप किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से लोन लेते हो, तो मान लीजिए अगर जब भी हम लोग किसी भी बैंक से, NBFC कंपनी से या किसी भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेते हैं, तो उस लोन का रीपेमेंट करने का एक तय सीमा होता है। अब ऐसा तो हो नहीं सकता कि मान लीजिए कोई व्यक्ति आपको लोन दे रहा है और पूरे ज़िंदगी आपसे लोन वसूल कर सके। अगर मान लीजिए एक व्यक्ति ने आपको 2015 में लोन दिया है और 2015 के बाद वो कभी कोई लीगल प्रोसीडिंग में नहीं आया, किसी भी तरह से किसी भी व्यवहार में नहीं दिखा, और अचानक से आता है और 2024 में आपको बोलता है कि आपको पैसे देने पड़ेंगे, अगर आप पैसे नहीं दोगे तो हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आपको कोर्ट कचहरी बुलाएंगे। जब भी इस तरह की कोई भी घटना किसी भी व्यक्ति के साथ होती है तो एक आम इंसान काफ़ी ज़्यादा डर जाता है, क्योंकि देखिए एक साधारण व्यक्ति के साथ एक बहुत ही कॉमन सा चीज़ है कि वो कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाना चाहता। एक आम आदमी को नहीं चाहिए कि उसको कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़े, वो चाहता है कि जो भी उसने लोन लिया है बहुत ही साधारण तरह से सॉल्व हो जाए। आज हम एक केस के बारे में आपको बताना चाहते हैं, उसी केस के रेफरेंस पे हम आपको बताएंगे कि अगर आपके साथ भी अगर ऐसी कोई घटना हो रही है या कोई भी बैंक, NBFC कंपनी के द्वारा कोई भी व्यक्ति आके अगर आपको इस तरह से बता रहा है, समझा रहा है, तो जब तक आपको इसकी जानकारी नहीं होगी तब तक आप उससे कैसे फाइट करोगे, कैसे उसे लड़ोगे। इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। देखिए, एक व्यक्ति थे जो 2015 में उन्होंने एक लोन लिया, 2015 में उन्होंने लोन लिया और 2015 के बाद 2017 तक उस लोन को काफ़ी अच्छे से वो चुका रहे थे। 2017 के बाद उनकी फाइनेंशियल कंडीशन थोड़ी सी गड़बड़ हो गई। वो जिस कंपनी में पैसे लगा रहे थे, जिस कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे थे, जो उनका अपना निजी कंपनी था, वो किसी कारणवश बैंकक्रप्ट हो गया। उसमें काफ़ी ज़्यादा पैसे इन्वेस्ट हो रखे थे, वो पैसा पूरी तरह से डूब गया, जिसकी रिकवरी अब संभव नहीं है और संभव हुआ भी नहीं, जिसके कारण वो पूरी तरह से बर्बाद हो गए। इसका एक फाइल हुआ और फाइल उन्होंने सबमिट किया और बैंक को प्रॉपर जानकारी दी कि अब हम अपने EMIs को पे करने के लायक में नहीं है, अब हम इसको नहीं पे कर सकते। बैंक 2017 के बाद कोई कार्रवाई में नहीं आता और अचानक से 2024 में बैंक एक्टिव हो जाता है और उन्हें बोलता है कि हम आप पे लीगल एक्शन लेंगे, आपको हम कोर्ट भेजेंगे, और उनको एक नोटिस जारी कर देता है। उस नोटिस के बाद वो व्यक्ति काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गए। उन्होंने जब हमसे संपर्क किया कि सर इस तरह की बात है, बैंक हमें अब कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाने को बोल रहा है कि अब इस उम्र में हमसे संभव नहीं हो पाएगा कि हम कोर्ट जाके इस मामले को निपटारा करें, क्योंकि देखिए एक आम व्यक्ति कभी भी बैंक द्वारा इस तरह के झंझट में फंसना नहीं चाहता या उसे इसकी जानकारी नहीं होती। तो जब हमसे बात हुआ तो हमने उन्हें बताया कि उस बैंक कर्मी को बोलिए कि अगर आपको पैसे चाहिए तो हमसे बात करें, उस पर समझौता करें, समझौते पे जो भी लमसम अमाउंट तय होगा उस अमाउंट पे हम लोग समझौता करने को तैयार हैं। अगर वो व्यक्ति अगर आपको मना कर रहा है, अगर आपको कोर्ट कचहरी की बात कर रहा है कि आप पैसे नहीं दोगे तो हम आपको कोर्ट में चैलेंज करेंगे, तो उसको बोलिए कि बिल्कुल चले जाए और कोर्ट में हमारे खिलाफ कंप्लेन दर्ज करें। इससे क्या होगा? तो बोला कि अगर आप नहीं दोगे तो हम कल आपको नोटिस सर्व करेंगे। तो हमने बोला कि उसको नोटिस भेजने के लिए बोलिए। जब ये पूरी प्रक्रिया हुई उसके बाद बैंक, NBFC कंपनी की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई, और इसका कारण क्या है? आज के डेट में भी बहुत सारे बैंक, NBFC कंपनी इसी तरह से अपने ग्राहकों को डरा रहे हैं, इसी तरह से अपने ग्राहकों को मूर्ख बना रहे हैं। और कई बार क्या होता है, इस चक्कर में एक ग्राहक दूसरे ऐप से लोन ले लेता है, किसी साहूकार से लोन ले लेता है, या आस पड़ोस में जहाँ से भी अवेलेबल होता है वहाँ से लोन उठा लेता है और उनको दे देता है। एक चीज़ समझिए, जब भी कोई भी बैंक, NBFC कंपनी आपको लोन प्रोवाइड कर रहा है तो उसके लिए एक टाइम फ्रेम है। उस टाइम फ्रेम में अगर पैसे रिकवर हो पाते हैं, वो आप पे केस करता है सेक्शन 138 का, 25A का, या कोई भी लीगल प्रोसीडिंग से वो आपसे अगर वसूल नहीं कर पाता तो एक टाइम फ्रेम के बाद उस लोन को राइट ऑफ कर देता है, या ज़्यादातर केसेस में ये होता है कि वो एक एजेंसी को इस लोन को बेच देता है। अब उस एजेंसी का काम है कि उस लोन को रिकवर करे। पर बहुत बारी क्या होता है कि एक टाइम फ्रेम होता है जिसमें एक एजेंसी से दूसरे एजेंसी, दूसरे एजेंसी से तीसरे एजेंसी, और कमीशन बाय कमीशन इनके चार्जेस भी अलग है, इनके कमीशन भी अलग है, और ये लोन ट्रांसफ़र होते चला जाता है। अब इस लोन एजेंसी को ये अच्छे से पता है कि इस टाइम हम सिर्फ उनसे पैसे मांग सकते हैं,
अगर वो पैसे दे देते हैं तो अच्छा है, सेटलमेंट प्रक्रिया के लिए सही है। इससे उस व्यक्ति का ना सिविल ठीक हो रहा है, ना इस व्यक्ति का कोई भी फाइनेंशियल लाभ हो रहा है। पर अगर वो दे देते हैं तो एक होता नहीं है कि सर के ऊपर लोन है उसको ख़त्म किया जाए। पर यहाँ पर बैंक NBFC कंपनी क्या करते हैं, लीगल प्रोसीडिंग की बात करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ समझिए, अगर कोई भी व्यक्ति अगर आपको लीगल के नाम से डरा रहा है, धमका रहा है, तो उसको बोलिए कि आप क्या लीगल करोगे। मैं जानता हूं कि 90% ग्राहक तो कभी बैंक NBFC कंपनी के कर्मचारी से पूछते ही नहीं है कि ठीक है आप लीगल तो कर दोगे, पर उस लीगल का कोई काम होगा ना, किस के तहत हम पे केस करने जा रहे हो, आखिर कौन सा बेस है जिस पे आप हम पे केस करोगे, इसकी जानकारी किसी भी कस्टमर को नहीं होती और कोई भी बैंक NBFC कंपनी अपने ग्राहकों को भी नहीं देता। अब जब कोई भी बैंक NBFC कंपनी 3 साल के बाद अपने पैसे की वसूली कर रहा है तो वो आपसे पैसे मांग सकता है, क्योंकि उसके पैसे हैं, उनका हक है, मांग सकता है। पर अगर आपको लीगल एक्शन के नाम पर अगर आपको डरा रहा है, धमका रहा है कि आप पैसे नहीं दोगे तो लीगल एक्शन होंगे, तो मान लीजिए आप लीगल कहाँ करोगे, आप हाई कोर्ट जाओगे, कोर्ट में जाओगे, तो हाई कोर्ट इस चीज़ को पहले डेट वाइज मेंशन करता है कि इस लोन का टेन्योर कितना था। अगर वो टेन्योर पार हो चुका है, उसके 3 साल के बाद अचानक से कस्टमर को प्रताड़ित करने के लिए केस रजिस्टर किया जा रहा है, तो कोई भी कोर्ट इस केस को खारिज कर देता है लिमिटेशन एक्ट का हवाला देके। तो आपको जब तक अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होगा, इस लोन की छोटी छोटी बारीकियों के बारे में नहीं पता होगा, तब तक आपको बैंक NBFC कंपनी प्रताड़ित करते रहेंगे। तो आज के बाद अगर कोई भी बैंक NBFC कंपनी अगर आपको पुराने लोन पे और 3 साल पुराने लोन पे डरा रहा है, तो एक बार उसे ज़रूर बोलिए, जाइए आपको जो हो सकता है करिए। और विशेष आप इसके बारे में ज़्यादा जानना चाहते हो तो स्क्रीन पे नंबर है, आप हमसे संपर्क कर सकते हो। आज की वीडियो में तक रखेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।